नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी एंशिएंट इंडिया से, और एंशिएंट इंडिया में हम लोगों ने देखा था कि गुरुकुल प्रणाली कैसी है। उसके बाद हमने परिषद का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसके बाद यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब हम मिडिवल एरा के अंदर आए, मध्यकालीन भारत के अंदर आए, तो हम लोगों ने देखा कि जो मध्यकालीन भारत में जैसे मकतबा और जो मदरसे थे, मकतबा जो छोटे स्कूल थे जिनको प्राइमरी स्कूल बोलते थे, धार्मिक शिक्षा जहाँ पे मिलती थी, और उसके बाद जो सेकंड आया था वो था मदरसा। मध्यकालीन भारत के अंदर ही आप लोगों ने देखा होगा कर्नाटक के अंदर मदरसा बड़ा मध्यकालीन बहुत फेमस था, जहाँ पे विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ। और उसके बाद हमारे ऊपर आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कई साल तक राज रहा, 200-300 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और उसके बाद का जो इंग्लैंड गवर्नमेंट का सीधा हमारे ऊपर जो राज रहा, उसके रिगार्डिंग जो हमारे शिक्षा के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, उसमें अलग अलग जैसे कमीशन आए, वुड डिस्पैच जैसे कमीशन आए, सर्जेंट और रिले जैसे कमीशन थे। उसके बाद 1947 15 अगस्त 1947 को वो ऐसा सुनहरा दिन आया जिसकी हम लोगों को उम्मीद थी, जिसकी सभी कोई प्रतीक्षा कर रहा था, और भारत आज़ाद हुआ। दोस्तों उसके बाद आप लोगों को पता है कि 1951 के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सबसे पहले उन्होंने शपथ ली, पहले प्रधानमंत्री जिनको जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जानते हैं, बट उनकी जो दूरदृष्टि दोस्त जो सोच थी, उस दूरदृष्टि सोच का परिणाम उन्होंने 1947 में ही दिखा दिया था। 1948 में सबसे पहले एक एजुकेशन के लिए राधा कृष्ण कमीशन बनाया गया, राधा कृष्ण एक कमेटी बनाई गई एजुकेशन सिस्टम के लिए। आज की वर्तमान के अंदर भारत अब आजाद हो गया है, और वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली वो कैसी होगी, तो आप लोगों ने देखा कि राधा कृष्ण जो कमेटी थी वो उन्होंने रिकमेंड किया, कुछ सजेशन दिए, और उसके बाद 1968 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार की थी, वो 1968 के अंदर आई, और उसके बाद सेकंड एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1985 के अंदर आई। कितना सब कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों। और उसके बाद हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारी कस्तूरी रंजन कस्तूरी रंजन कमेटी थी, जिसके ऊपर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड है, और जो सुब्रमण्यम सर इसके जो सेक्रेटरी थे और जो इसके कमेटी के हेड थे, 2018 के अंदर वो एक्सपायर हो गए, और उसके बाद कस्तूरी रंजन जी ने उनका कार्यभार संभाला, और जो रिकमेंडेशन दी, जो सुझाव दिए, उन सुझावों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों वर्तमान जो आज शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये वो आज जिसकी बात करेंगे, वो आज जो बात करेंगे ये बात अगले 30 साल तक या अगले 50 साल तक, जब तक भारत सरकार की कोई नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनती, उसकी रिकमेंडेशन नहीं आती, तब तक ये एजुकेशन पॉलिसी वैसे की वैसी चलेगी जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा रिकमेंडेशन करेंगी। और जो वर्तमान की एजुकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की समझ न हो के, वो उन सभी का, जितनी कमेटियां बैठी थी और जिसमें महात्मा गांधी और जिसमें अरविंदो आश्रम जैसे कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ जो रूरल डेवलपमेंट और जो वैदिक इरा और मध्यकालीन भारत के अंदर जो अच्छे कॉन्सेप्ट थे, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर लिए गए हैं। और उसके साथ ही साथ जो वर्तमान के अंदर जो तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई है जिसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार का है, तो आपको पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बेसिक क्या है, प्राइमरी है, और प्राइमरी के अंदर हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखते हैं कि प्राइमरी जिसको बोलते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ, उसके बाद सेकेंडरी आता है जिसमें फिफ्थ टू टेंथ आ जाता है, दसवीं तक आ जाता है, हायर सेकेंडरी जिसमें प्लस वन और प्लस टू आ जाती है, उसके बाद बीए, आपको पता है बीए फर्स्ट ईयर होगी, बीए सेकंड ईयर होगी, और बीए फाइनल ईयर होगा जिसमें बीटेक होगी, बीएससी होगी, ऐसे ही कुछ सीक्वेंस चल रहा है, और उसके बाद मास्टर एमए या फिर एमएससी ऐसे ही कुछ है, या फिर एमटेक,
उसके बाद रिसर्च, रिसर्च आपको पता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, और इसके अंदर जैसे 3 साल से लेके 8 साल तक रिसर्च चलती है, 5 साल वैसे मैक्सिमम होता है, बट आपके टॉपिक के हिसाब से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान के अंदर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका ये स्वरूप, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी रिकमेंडेशन होती है, इसी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से PRT, PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसी पोस्ट नियुक्त की जाती है। बट जो वर्तमान की एजुकेशन पॉलिसी है, ये बताने का कारण था दोस्तों, इसको बताने का कारण इसलिए था क्योंकि जो वर्तमान की एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, उसके अंदर इसके साथ भी छेड़खानी की गई है, इसके अंदर भी छेड़खानी की गई है। मतलब अब ये जो सिस्टम रहेगा, इस सिस्टम में बदलाव होंगे, और वो बदलाव क्या होंगे हम उसको अगली स्लाइड में देखते हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या रिकमेंड किया है, अब जो रिकमेंडेशन आई है उस रिकमेंडेशन के अंदर सबसे पहली रिकमेंडेशन है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये वर्ड जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और 100% GER होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब यूनिवर्सल होता है सभी को शिक्षा। इस एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रिकमेंड किया गया है कि जो बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे जो वर्तमान के अंदर कुछ सर्वे हैं और कुछ रिपोर्ट हैं जिसमें हम लोगों को पता लगा है कि हमारे देश के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का कभी गेट भी नहीं देखा है। ये वो बच्चे हैं, जैसे अगर हम लोग बेसिक लेवल पे देखें तो जो ईंट भट्ठा जो उद्योग है, उस भट्ठा उद्योग के अंदर इस प्रकार के बच्चे आपको वो ईंट जो का जो ईंट काटते हैं वो बनाते हैं, वो उसके अंदर आप देखोगे कि वो अपने माता पिता की सहायता करते हैं, या फिर ऐसे ST जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं, और मतलब ऐसे कुछ जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे गांव हैं जिनके अंदर अभी तक स्कूली शिक्षा भी नहीं पहुँच पाई है। आज हम 2023 जिसमें भारत सबसे ज्यादा विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, और आज भी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एजुकेशन के जो गोल है हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2020 की एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, और इसमें सबसे मेन टारगेट रखा गया है कि सभी को शिक्षा मिले और सभी को समानता मिले, और जो बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल से कहीं दूर रह गए थे उन बच्चों को भी वापस मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए, और हमारा जो आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा कि जिसमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया है कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, और हम लोगों ने देखा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके अंदर भी राज्य की जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार या मतलब कोई भी देश अपने लोगों का विकास करने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करेगा और उनके विकास के लिए कार्यरत रहेगा। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है तो हमारा आर्टिकल 21A और जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम खरे उतर सकते हैं। हम हमारी उम्मीदों के ऊपर, हमारे देश की जो उम्मीदें थी और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिनकी सोच थी कि हमारा देश एक दिन 100% योग्यता के साथ, 100% साक्षरता के साथ दुनिया में कहीं अव्वल रहे, तो उनकी ये जो सोच है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो पैटर्न है 5-3-3-4, अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1st to 5th प्राइमरी एजुकेशन, 5th to 10th मिडिल एजुकेशन, उसके बाद +1 +2 हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद बैचलर और मास्टर, ये कुछ किया जाता है। बट अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है जिसको भारत सरकार बोल रही है कि 2025 तक हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, और इस इंप्लीमेंटेशन के कारण क्या रहेगा, ये कैसे इंप्लीमेंट होगी, तो 1st to 5th 5 साल, उसके बाद 3 साल 6-7-8, उसके बाद 9-10-11-12, और उसके बाद फिर 4 साल की BA आपकी बैचलर रहेगी।
ये जो हम लोगों ने जब देखा था, जब पिछली स्लाइड में हम देख रहे थे, तो उसमें ये एजुकेशन सिस्टम था हमारा। इस एजुकेशन सिस्टम में क्या था, एमए ये थी 2 साल की थी, ये 2 साल की थी और ये 3 साल की थी, तो ये टोटल 5 साल हो जाता है। बट अब ये 5 साल बाद सरकार ने इसके लिए एक सुझाव निकाला है कि हम लोग 5+3+3+4 ये जो 4 साल का, जो 4 ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये ग्रेजुएशन से संबंधित। और इसके अंदर क्या होगा, अगर हम लोग बैचलर के अंदर, बीए के अंदर फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को या स्टूडेंट को एक डिप्लोमा मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद। अगर हम लोग 2 साल करके अपने एजुकेशन को छोड़ देते हैं बीए को, तो हम लोगों के पास डिप्लोमा होगा, सॉरी फर्स्ट ईयर जब करेंगे तो हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स होगा, और जब हम 2 साल कंप्लीट कर लेंगे तो हमें डिप्लोमा मिलेगा, और जब हम लोग बीए के अंदर 3 साल अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। बट आप देखोगे कि यहाँ पर 4 साल का कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये 4 साल, ये 4th ईयर क्या है बैचलर का, इस 4th ईयर के अंदर क्या है, अगर कोई बच्चा रिसर्च फील्ड के अंदर जाना चाहता है तो वो 1 साल और बीए में करता रहे, साथ के साथ 3 साल के बाद 1 साल और बढ़ाए, और उसके बाद उसको मास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो सीधा रिसर्च के फील्ड में जा सकता है। तो दोस्तों जो 4th ईयर होगा उसमें बच्चे को वही मास्टर जो एमए 2 साल की होती है, इस सभी का जिस आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने अलग अलग तरह की स्कीम चलाई है, जिन स्कीम्स को हम नेक्स्ट एक जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट एक वीडियो होगी, उसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक उसको कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप देखो यही बात इसमें बताई गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात क्या है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये बात सोचने की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस एजुकेशन पॉलिसी में देखा गया कि अभी जो बच्चे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को वो 8th तक 10th तक भी हो जाते हैं, बट उन बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक जोड़ घटा भी उनको नहीं पता, और उसके साथ साथ वो किसी सिंगल वर्ड, मतलब सिंगल सेंटेंस को भी नहीं पढ़ पाते हैं, और सिंगल सेंटेंस को भी ना लिख पाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए अब 3rd क्लास तक, अब जो 3rd क्लास तक बच्चों के विकास के लिए 3 चीजें कंपलसरी कर दी गई हैं, कि वो बच्चा जब तक 3rd कंप्लीट करे उसको 1 सेंटेंस लिखना आना चाहिए, उसको 1 सेंटेंस बोलना आना चाहिए, वो पढ़ सकता हो, और उसके साथ ही साथ उसको बेसिक मैथ, मतलब जिसमें जोड़ घटा माइनस प्लस ये सभी कुछ आने चाहिए, और गुणा भाग ये सब कुछ आने चाहिए। ये क्यों जरूरी कर दिया, कि किसी कारण से अगर बच्चे अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग अगर जब एम्प्लॉयमेंट में जाएं या अपनी जब बाकी की जिंदगी वो आसानी से गुजार सके, क्योंकि वो बच्चे इतने काबिल, इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो 1 सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, 1 सेंटेंस को लिख सकते हैं, और उसके साथ ही साथ वो बेसिक जोड़ घटा को कर सकते हैं, जिससे अगर उनको वो कहीं पर रोजगार करते हैं तो उनके अपने जो वेतन है, जो मासिक देय है, वो उसका जोड़ घटा कर सकते हैं, उनका पता लग सकता है कि उनके साथ चीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब जो 3rd क्लास है उस तक इसको कंपलसरी कर दिया गया है, और उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन 6th क्लास से, वर्तमान के अंदर जो जनसंख्या लाभांश, पॉपुलेशन डिविडेंड, या फिर जनसंख्या लाभांश, आप सभी को पता है कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री भी हमारी है। हाल में ही जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो सेंसस था उसने बताया कि दुनिया चाइना को बीट करता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा
पॉपुलस कंट्री बन गया है, तो इसके अंदर 144 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है। अब 144 पॉपुलेशन के अंदर आपको पता है कि जब जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो युवा है वो भी ज्यादा होंगे, और आपको पता है कि जिस घर के अंदर ज्यादा युवा होते हैं और वो किसी काम में सक्षम होते हैं तो वो घर गांव में या शहर में और घर से और गांव में और जो एरिया के अंदर और घरों से आगे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे कमाने वाले ज्यादा हैं, और कमाने वाले ज्यादा हैं तो वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तो उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। तो इस प्रकार की जो यूथ पॉपुलेशन है वो जो काम करने में सक्षम है, जो सीखने में सक्षम है, उस प्रकार की पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डिविडेंड, जनसंख्या लाभांश। इस प्रकार की जनसंख्या को बोलते हैं जनसंख्या लाभांश। और वर्तमान के अंदर जो सरकार की पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी बनाते टाइम इस बात को स्पेशल ध्यान रखा गया, और वोकेशनल एजुकेशन 6th class से देनी बात सरकार ने शुरू कर दी है। और इसमें क्या होगा कि 6th class से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा किसी फील्ड के अंदर सिखाना शुरू कर दिया जाएगा, उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देनी शुरू कर दी जाएगी, उनको साथ ही साथ कुछ जैसे पेंटिंग या राइटिंग के स्किल उनको सिखाना शुरू कर दिए जाएंगे, या फिर जो बेसिक जरूरतें हैं जैसे कागज के जो खिलौने हैं वो बनाना सिखाया जाएगा, या उसके साथ साथ जैसे मिट्टी के खिलौने हैं या फिर कुछ असेंबल चीजें करने सिखा दी जाएंगी, और वो 6th class से वोकेशनल एजुकेशन के कोर्स कर सके। अगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो 10 साल बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी, जो हमारे पास यूथ पॉपुलेशन आएगी वो सक्षम होगी। अगर भारत सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो खुद भी वो इस सक्षम होंगे कि वो खुद कोई शॉप खोल सकते हैं या फिर खुद का अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जिसमें वो अपने डेवलपमेंट के उनके अच्छे साधन होंगे। उसके बाद दोस्तों अपने टीचिंग अप टू दिस ग्रेड 5 टू इन मदर टंग, इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लोगों ने मिडिवल और एंशियंट एजुकेशन सिस्टम पढ़ा था तो उस समय क्या था? उस समय इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारी जो रीजनल लैंग्वेज थी, जैसे साउथ में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी ऐसी लैंग्वेज थी, और जो उत्तर भारत के अंदर जैसे कश्मीरी, डोगरी, मैथिली, हिंदी और संस्कृत, ये कॉन्सेप्ट थे। तो जहाँ पे जैसा रीजन था वहाँ पे उसी लैंग्वेज के अंदर, उसी रीजन के अंदर उसी हिसाब से एजुकेशन दी जाती थी, और उसी एजुकेशन के हिसाब से बच्चे शिक्षित हो पाते थे। और जब बच्चे शिक्षित होते थे तो वो अपना काम ठीक प्रकार से चला लेते थे। आप लोगों ने जब एंशियंट इंडिया के अंदर मिडिवल और मिडिवल एजुकेशन के अंदर पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा कि जब जो गुरुकुल थे उस गुरुकुल में जो शिल्पकार के बच्चे थे, जो मिस्त्री के बच्चे थे, जो बढ़ई के बच्चे थे, उनको विश्वकर्मा के अध्याय पढ़ाए जाते थे, उनको विश्वकर्मा शास्त्र पढ़ाया जाता था, जिसके अंदर शिल्पकारी की बेसिक से लेके एडवांस तक नॉलेज थी, ज्ञान थी। और जब वो बच्चे उस स्कूल से बाहर जब घर अपने पहुंचते थे और अपने माता पिता के साथ कोई बढ़ई का काम करता था, कोई मिस्त्री का काम करता था, तो वो बहुत बारीकी से वो काम सीखता था, और जब वो नेक्स्ट जनरेशन जाती थी तो वो उस काम में माहिर होता था, और जब उससे नेक्स्ट जनरेशन आती थी तो वो उस काम के स्पेशलिस्ट हो जाते थे, प्रोफेशनल हो जाते थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला है कि मदर टंग, जो मातृभाषा है, उसी के अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, और उस शिक्षा के अंदर 5th से लेके 8th class तक, उसके साथ साथ बोला गया कि 5th से 8th तक आपको कंपलसरी और मातृभाषा में आप शिक्षा ले सकते हैं, किसी भी बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। और उसके बाद सरकार ने क्या किया है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टू बी अलाउड इन अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आप निकलते हैं तो सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर के अंदर निकलते हैं तो आपको डिप्लोमा, और थर्ड ईयर के अंदर आप निकलते हैं तो डिग्री, और फोर्थ ईयर के अंदर आप निकलते हो तो रिसर्च, ये कॉन्सेप्ट। तो ये मल्टीपल एंट्री, आप कभी आओ कभी जाओ, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हो रहा है। इसमें क्या किया कि आप हायर एजुकेशन में जाके, जरूरी नहीं है कि आपने मतलब आर्ट किया तो आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकते। वर्तमान में ऐसा ही चलता है कि आर्ट वाला आर्ट ही पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा, और म्यूजिक वाला म्यूजिक ही पढ़ेगा,
ये कुछ चलता रहता है, बट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये रिकमेंड किया है कि कोई भी बच्चा प्लस टू करने के बाद जब हायर एजुकेशन में आता है तो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है, और वो साइंस के साथ आर्ट भी ले सकता है, उसके साथ वो जो करिकुलम एक्टिविटी हैं जैसे किसी की संगीत हॉबी है तो उसको डेवलप कर सकता है, वो उसको एज ए सब्जेक्ट ले सकता है, और उसके साथ ही साथ जो अन्य विषय है उनमें भी वो महारत हासिल कर सकता है। तो ये प्रकार की ध्यान दिए गए हैं। उसके बाद एकेडमिक बैंक, एकेडमिक बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अनुसार बच्चों को अब अपने जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा कैरी करने की जरूरत नहीं है, एक एकेडमिक बैंक होगा जिस एकेडमिक बैंक के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना वो एक व्यवस्था होगी, और जिसमें आपको एक आईडी मिल जाएगी किसी भी स्टूडेंट को, और जब वो आईडी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है और जब वो किसी जॉब में जाता है तो जो आप देखते हो कि भाई वो चेक किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स ये ओरिजिनल है या फेक है, तो अब जो काम था वो जो एक एक साल तक आपके डॉक्यूमेंट्स किसी ऑफिस में रखे रहते थे, अब वो न रह के कि वो डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा डिपॉजिटरी होगा, एक ऐसा बैंक होगा जहाँ भारत सरकार की फुल जो ऑथेंटिकिटी है वो ऑथेंटिकेशन है वो अवेलेबल होगा, और यहाँ पे किसी भी तरह के बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने पता होगा देखा होगा कि एमफिल जो थी उसको समाप्त कर दिया गया है, एमफिल जो थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या कि इसके पीछे का कारण क्या है कि एमफिल का एमफिल रिसर्च से मतलब पीएचडी से पहले की जाती थी 2 साल की, तो सर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब बनाई तो देखा गया है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि वही काम प्री पीएचडी के अंदर होता है और वही काम सिर्फ एमफिल के अंदर होता है, तो अगर सीधा पीएचडी में इनरोल किया जाए तो बच्चे के 2 से 3 साल बच सकते हैं, और जो संसाधन उनका अच्छे से अच्छे और अच्छे तरीके से उसका प्रयोग हो सकता है। दोस्तों उसके बाद क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, और एक फाउंडेशन बनाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसमें भारत सरकार अच्छा खासा पैसा इसके अंदर एक बैंक के अंदर रखेगी, एक उसके अंदर रखेगी जो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है दोस्तों, वही बात जो वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से शुरू हो जाएगी, टीचिंग मदर टंग लैंग्वेज होगी, और ये 533 का कॉन्सेप्ट जो 2 करोड़ बच्चे हैं उनको अंदर लिया जाएगा, नो सेपरेशन, मतलब कोई अलग से अब आपको ये नहीं कि आप साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा आर्ट वाला आर्ट ही पढ़ेगा, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपके सब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं। 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030, ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक स्कूल एजुकेशन के अंदर 100% बच्चे, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसको साक्षरता ना मिली हो, जिसको बेसिक नॉलेज ना मिली हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है, और ये व्यवस्था की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की व्यवस्था की गई है। दोस्तों उसके बाद इसमें क्या माइनस प्लस है, असेसमेंट रिफॉर्म विद फीड हुई होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है दोस्तों, जब हमने एंसेंट डेवलपमेंट पढ़ा था, एंसेंट एजुकेशन डेवलपमेंट पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे बोध विहार हैं, जो हमारे परिषद हैं, जो हमारे जो गुरुकुल, क्योंकि गुरुकुल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले था, तो वहाँ पे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता था, वहाँ बच्चों को सामाजिक विकास, समाज की ज्ञान दिया जाता था, उनका मानसिक विकास किया जाता था, टाइम टू टाइम मेडिटेशन करवाया जाता था, उसके बाद उनको खेल में पारंगत किया जाता था, उनको जैसे कोई कुश्ती कबड्डी और ये जो अलग अलग खेल थे उन खेलों के अंदर और तीरंदाजी के अंदर उनको स्किल दिए जाते थे, उसके साथ ही साथ जो कार्य थे सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। हमारे साहित्य के अंदर 9 विद्याओं का कॉन्सेप्ट है, और 9 से भी ज़्यादा विद्याएं हैं, उन 9 विद्याओं का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर एक जो स्टूडेंट जो कि गुरुकुल से निकलता था वो उन 9 विद्याओं के अंदर पारंगत होता था, वो
विद्याओं को जानता था और कोई उन नौ में से एक में स्पेशल हो जाता था, जैसे अर्जुन था तो वो धनुर्धर इतना अच्छा था कि उन नौ विद्याओं में सबसे ज़्यादा अगर किसी का इंटरेस्ट था तो उसमें धनुर्विद्या में था और वो आप अर्जुन कहलाया, आपको पता ही है। तो और जो बाकी नौ विद्याएं थी उन विद्याओं में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से, मतलब आप जब एंशियंट इंडिया देखते हो और जो हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारे लोग देखते हो, जैसे राजा वीर विक्रमाजीत के बारे में आपने सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने अपने फील्ड के अंदर माहिर थे, तो वो नौ विद्याओं में पारंगत जो थे उन्हीं लोगों के नाम थे। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट था, बच्चे को ये नौ शिक्षाएं दी जाती थी ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से उजार सके और समाज को समृद्ध कर सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंशिएंट इंडिया से ही लिया गया कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, आप लोगों को पता है कि अभी भी जो हायर एजुकेशन है, जो एमए है या रिसर्च है, उसमें अभी भी ग्रोस इनरोलमेंट, बच्चों का इनरोलमेंट, बच्चों की भागीदारी कम रहती है। तो भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बात बोली है कि 2030 तक हम 50% जितने बच्चे हैं उसका और ज़्यादा, मतलब टोटल जो बच्चे हैं जिनको नेशनल, मतलब जिनको हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, उसमें से कम 50% तक जो बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में ले आएंगे, जिससे हमारे रिसर्च एरिया और जो हमारी कुछ जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। और 3.5 करोड़ जो सीट्स हैं, ये जो बात है 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन दी हायर एजुकेशन। आपको वर्तमान में पता है कि MBBS या NEET या जैसे IIT IIM या जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ के अंदर, जहाँ आप देखते हो कि बहुत लिमिटेड से सीटें हैं, और उस लिमिटेड सीट के साथ बहुत सारी बार ऐसे बच्चे भी कंपटीशन में बाहर हो जाते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, जो डिजर्व करते हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए और जो वर्तमान की जरूरतों को देखते हुए हायर एजुकेशन के अंदर 3.5 करोड़ न्यू सीटें ऐड की जाएंगी। तो ये जब 3.5 करोड़ सीटें ऐड की जाएंगी तो आप देखोगे कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत रहेगी और इसके लिए नए टीचर की भी जरूरत रहेगी, इसके लिए टेक्नोलॉजी की भी जरूरत रहेगी। तो इसके साथ साथ उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद लाइट बट टाइट रेगुलेशन, ये बात समझने की है। वर्तमान में आप देखते हैं कि मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग से अथॉरिटी है, स्कूल एजुकेशन के लिए NCERT SCERT जैसी अलग से संस्थाएं हैं, CBSE जैसी संस्थाएं हैं, हायर एजुकेशन के लॉ के लिए अलग बॉडी है, UGC NET है, ICT है, ऐसी जो संस्थाएं हैं। अब इनकी जगह आप देखोगे कि हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया एक सिर्फ यही बॉडी बनेगी, और इसी बॉडी के अंदर चार अलग अलग से ऑफिस होंगे, जो ऑफिस अलग अलग से कोई फाइनेंस को देखेगा, कोई एकेडमिक को देखेगा, और कोई रिसर्च एरिया को देखेगा, और कोई मतलब वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा। तो ये चार आगे सब डिवाइड होंगे, बट इनका जो सबसे मेन सर्वे सर्वा होगा वो हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप देखते हो दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी छात्रवृत्ति रुक जाती है, जिनकी स्कॉलरशिप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, बोलते हैं कि भाई मैंने वहाँ पे वो लेटर भेज दिया है और उसके अभी तक हाँ नहीं हुई है, या फिर उसके ऊपर साइन नहीं हुए हैं, अभी वो नहीं आया, या वो हो गया, या फिर ये हो गया। तो इससे क्या है कि बच्चे के जो कार्यभार है, मतलब बच्चे की जो रिसर्च है या बच्चे की जो शिक्षा है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि हर एक बच्चा सक्षम नहीं होता हायर एजुकेशन के अंदर। हायर एजुकेशन की जो उनकी फीस है या जो ट्यूशन फीस है उसको देने में, तो अब जो स्कॉलरशिप वगैरह का जो प्रावधान होगा, आप देखोगे कि एक ही ऑफिस के अंदर सारे ऑफिस एक छत के नीचे होंगे, तो ये जो टाइम है वो घटेगा, और जिससे रिसर्च का एरिया बढ़ेगा, रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ेगी, और उसी देश का विकास होगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप देखोगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया कि अब छोटे बच्चों को 6th क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा देनी शुरू कर दी जाएगी, और बच्चों को कोडिंग जैसे
छोटी छोटी कोडिंग बच्चों को सिखाने शुरू कर दी जाएगी, ताकि जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं या जब वो प्लस टू तक करें, तो जैसे जैसे उनका दिमाग विकसित होता है तो उनके दिमाग के अंदर नए नए कोड जनरेट हों, और जो हम पॉपुलेशन डिविडेंट, जो आने वाला पॉपुलेशन डिविडेंट है, उसका इस हिसाब से यूज करें कि हमारा देश तकनीकी शिक्षा के रूप में दुनिया का सबसे अव्वल रहो, सबसे समृद्ध देश हो। जैसे वर्तमान में देखते हैं कि जो चाइनीज हैं और जैपनीज हैं, वहाँ जो तकनीकी शिक्षा है वो बहुत सक्षम है, और आप देखते हो कि जैपनीज तो तकनीक में दुनिया में सबसे समृद्ध माने जाते हैं। तो भारत सरकार ने ये देखा कि अगर हम बच्चों को ये बेसिक एजुकेशन या फिर कोडिंग वगैरह सिखाते हैं, तो जब वो बीए में या मास्टर में जाते हो जाएंगे तो वो माहिर हो जाएंगे। तो इस बात को देखते हुए जो कंप्यूटर है या जो अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक एजुकेशन में धीरे 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 ऐड करने शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो 21वीं सदी की जो डिमांड है उनको पूरा कर सकें। दोस्तों उसके बाद क्या है, इनके सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जो डिसएडवांटेज रीजन एंड द ग्रुप। अभी तक जो हमने बात की वो एक बेसिक होता है, बट आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चलने में सक्षम नहीं है, जो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी ट्रेजडी के कारण अपने घर पे बैठे हुए हैं, या एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अपने माता पिता के साथ काम पे लगे हुए हैं, कोई रेडी का लगाता है तो कोई मजदूरी करता है, कोई टायर पंचर की दुकान पे बैठता है, तो कोई माता पिता के साथ किसी मेले में खिलौने बेचता है, और ऐसे कुछ लोग जो चलने में, जैसे कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो चल फिर नहीं सकते या मानसिक रूप से परिपूर्ण नहीं है या डेवलप उनका माइंड नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाएंगे और उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। उसके साथ ही साथ इन बच्चों के लिए स्पेशल सिलेबस बनाया जाएगा, जैसे जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि के लिए बुक बनाई जाएंगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य बनाया जाएगा, ब्रेल लिपि के लिए ब्रेल जो लाइब्रेरी है वो बनाई जाएंगी। और जैसे आप देखोगे कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट या सरकारी इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर जो रैंप सिस्टम है, तो आप देखते हो कि सीढ़ियाँ तो सभी जगह होती बट रैंप नहीं होता, क्योंकि जैसे जो बच्चा आपका हैंडीकैप है उसको चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो रैंप के द्वारा वो क्या करता है कि उस व्हील चेयर से ऊपर चढ़ सकता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा ताकि वो जो बच्चे हैं जिनको दिव्यांग भी बोलते हैं, इन दिव्यांग बच्चे भी जो मेन स्ट्रीम है उसमें दोबारा से आ सके। दोस्तों उसके बाद क्या है कि मल्टी लैंग्वेज इन दी बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। मैंने आपको बताया था कि मदर टंग, अगर बेसिक एजुकेशन मदर टंग में दी जाए तो बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बट उसके साथ ही साथ अगर इसी मदर टंग के अंदर हायर एजुकेशन भी दी जाए, जैसे यूरोपियन जो लोग हैं वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट नहीं करके अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि जो यूरोप है वो आज विकसित है, तो ये बात अगर भारत के अंदर भी इम्पोज इम्प्लीमेंट की जाती है और हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं और उसी के अंदर साहित्य बनाते हैं, या जो जैसे टेक्निकल जो चीज़ें हैं बीटेक, जैसे कई यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दो से तीन, जैसे हिमाचल की यूनिवर्सिटीज़ है और एमपी की जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो बीटेक हिंदी में करवाना उन्होंने शुरू कर दिया है, एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में करवाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा, तो वो बच्चे भी अब इस तरह की जो तकनीकी शिक्षा है और इस तरह की जो शिक्षा है वो ले सकेंगे, और इससे भारत सरकार को और इससे हमारे इंडिया को कुछ अच्छे लोग मिल सकेंगे और कुछ अच्छे रिसर्चर, कुछ अच्छे डॉक्टर मिल सकेंगे। तो दोस्तों जिससे अगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे की पूर्ण रूप से इम्पोज कर दी जाती है, तो जो 30 साल बाद हम लोग एजुकेशन इकोनॉमी या फिर नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज जो इकोनॉमी है जो नॉलेज इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम परिपूर्ण हो सकेंगे, उस पर हम खरा उतर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो इसको लाइक करिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कृपया आप कमेंट करिए और बताइए कि इसमें ये कमियां हैं और इसमें ये सुधार हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।